श्रीगंगानगर में प्रभारी सुखजीर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे। विधायक डूंगर राम गेदर, विनोद गोठवाल मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया में कहा, राजस्थान को नहीं मिला कुछ भी। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी घेरा बजट को। बिजली, सड़क, पानी, रोजगार उपलब्ध कराना भाजपा का मकसद नहीं। धर्म के नाम पर लड़ाना और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नाम पर लोगों को लड़ाना मकसद है। और पेपर लीक मुद्दे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, भाजपा के पास नहीं है कोई मुद्दा, इसलिए भाजपा नेता करते हैं सिर्फ अनगल बातें। 2016 की आरएएस परीक्षा पास करने वालों के बारे में अब कर रहे अनगल बात। नवभारत समाचार से साहब राम की रिपोर्ट। पहली बार हमारे बीच में पधारे हैं, जो उनका स्वागत उनका भी करना चाहिए। साथियों, आज हमारे नेता अपना कीमती समय निकालकर एक लोग आप इस कार्यक्रम में पूरी अपनी शिद्दत के साथ इनकी बात को सुने, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हनुमानगढ़ में कांग्रेस को विजयी बनाया है, उसी तरह से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी